हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज मैं सौरभ सर के साथ आप लोगों के साथ एक सेशन लेने वाला हूं, और इसका पर्पस क्या है, पर्पस बिल्कुल क्लियर है। आज क्लासरूम कोर्स के साथ साथ आप सभी के साथ साथ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी बहुत सारे जुड़ गए, और इस समय क्योंकि एग्जाम का टाइम करीब आ रहा है, ऐसे में बहुत प्रेशर होता है एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस का। कई लोगों ने अभी अभी स्टार्ट किया है, आप बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट भी जुड़े हैं, और जैसा मैंने आपसे कमिट किया था कि आप जैसा भोपाल एकेडमी में यानी क्लासरूम में होता है वैसे ही आपको भी सेशन मिलते रहें, तो टेस्ट पेपर एनालिसिस आपको मिल रहे हैं, टेस्ट रेगुलर मिल रहे हैं, बीच में जहाँ जहाँ पे हमको लगेगा वहाँ पर मैं आपके साथ ऐसे मोटिवेशनल सेशन भी कंडक्ट करता चलूँगा। इस सेशन का क्या पर्पज़ है बता दूँ, क्योंकि जो आपने अपनी प्रॉब्लम भेजी थी, एक तो आपको बहुत सारे पेपर्स मिल रहे हैं, उन पेपर्स में कई बच्चों ने मुझे एक मैसेज किया कि सर परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो पहले मैं एक बात सभी को कहना चाहूँगा कि आप जरूरी नहीं कि सारे पेपर सॉल्व करें, पर जो जो टॉपिक आपके कवर होते जा रहे हैं वो टॉपिक के पेपर आप सॉल्व करें, नंबर वन थिंग। मॉक पेपर जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की वो जरूर सॉल्व करें, और साथ में स्पीड टेस्ट जो आपको दिए जा रहे हैं उनको सॉल्व करें, क्योंकि स्पीड टेस्ट से आपकी परफॉर्मेंस आएगी। एवरी वीकेंड सैटरडे को आपको एक ही काम करना है, और वो काम है टेस्ट पेपर का एनालिसिस। बार बार एक ही एक पेपर को सॉल्व करो, आप देखोगे हर सैटरडे पुराने पेपर सॉल्व करते जाओ, हो सकता है फर्स्ट डे एक पेपर सॉल्व करने में आपको 3 आवर्स लगे, पर सेकंड टाइम जब उसी को करोगे तो 30 मिनट लगेगा, थर्ड टाइम करोगे 10 मिनट मिलेगा। यानी आपको हर पेपर को निचोड़ लेना है, और जब बार बार रैपिडली वही क्वेश्चंस करोगे धीरे धीरे क्वेश्चंस का कलेक्शन बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप दिन भर में 1,000, 1,500, 2,000 क्वेश्चन करेंगे। तो सौरभ सर आपको बताएंगे, क्योंकि एक समय वो यहाँ पे स्टूडेंट भी थे, ऑल इंडिया उन्होंने 6th रैंक अचीव की थी जब वो आए थे, जब ऐसा नहीं था कि वो पहले दिन से 1,000 क्वेश्चन कर पाते थे, पर लास्ट 2 मंथ में उनकी पोजिशन ये थी कि मोर देन 2,000, 3,000, even 5,000 क्वेश्चन तक एक दिन में किए, पर वो एक दिन का कमाल नहीं था, वो कई दिनों की मेहनत थी। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप घबराए ना, बल्कि बहुत पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करें। सौरभ सर अपने रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, उनको सुनिए और समझिए। आप दूर जरूर हैं, पर आज दूर और पास का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बिल्कुल पूरी अपनी तरफ से वही कोशिश करता हूँ कि दूर रह के भी आपको वही सपोर्ट मिले या वही रियल एक्सपीरियंस मिले जो कि भोपाल में हो रहा है। तो आप लोग इस सेशन को बहुत अच्छे से अटेंड करिए, पूरा सेशन स्टार्टिंग से एंड तक सुनिए ध्यान से, और जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही, जहाँ जहाँ आप लैग कर रहे हो, बिल्कुल पक्का है कि सेशन के थ्रू कई सारे आपके कन्फ्यूजन या डाउट दूर हो जाएंगे। तो आप लोग टेस्ट को सीरियसली ले रहे हो, मतलब मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि टेस्ट से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं अभी, क्योंकि आप लोगों उनमें से मैक्सिमम लोगों का सिलेबस हो गया होगा, मतलब कोचिंग पे हो गया होगा, आपका नहीं हुआ होगा। तो 2-3 चीजें हैं जो लास्ट मोमेंट में शरद सर ने हमको टिप्स दी थी, आपको भी दी होंगी, पर अगर कुछ मिस आउट हो गई है तो मैं उसको रिकॉल करा देता हूं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लास्ट मोमेंट पे कि हम लोग रिविजन कैसे करें, बिकॉज सबसे बड़ी दिक्कत ये कि छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत सारे, और अगर हम सारे टॉपिक्स को मिला लें तो लगभग 20 टॉपिक्स हमको मिल जाते हैं। अगर एक टॉपिक को प्रॉपरली रिवाइज करने बैठते हैं तो 3 दिन लग जाते हैं। तो इसका मतलब अगर 20 टॉपिक्स को हमें रिवाइज करना है तो हमें 60 डेज लगाने, 60 डेज का मतलब 2 मंथ्स हो गए, और 2 मंथ्स तो प्रॉपरली हमारे पास होते भी नहीं है, ठीक है, कि हम हर दिन इस तरीके से चलें। और इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, जो पहला टॉपिक आपने रिवाइज किया था पहले 3 दिन में, वो 60 डेज बाद, 60 डेज का गैप हो चुका है उसमें, समझ में आ रही बात, तो उसको फिर रिविजन की जरूरत है। तो ये जो मैनेजमेंट है इसका एक सबसे सिंपल सॉल्यूशन होता है क्यूमुलेटिव स्टाइल में स्टडी करना। क्यूमुलेटिव स्टाइल में स्टडी करने का मतलब है जो पहले टॉपिक आपने करे हैं वो हर दिन करना है, 60 डेज तक पहला टॉपिक जो आपने 3 दिन में रिवाइज करा था उसको हर दिन आपको लेकर चलना है। अब ये कैसे होगा, इतना आसान नहीं, इतना टाइम कैसे निकालेंगे हम, तो आपको क्या करना चाहिए, 10 मिनट्स वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैंने बहुत करी और बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इसको। जैसे आपके सामने टेस्ट पेपर आता है, कोई एग्जाम दे रहे हो आप, संडे का टेस्ट पेपर दे रहे हो, तो आप लोग पहले 10 मिनट कैसे निकालते हो टेस्ट के साथ, फर्स्ट 10 मिनट्स, आपके 10 मिनट में कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं, मेरे हिसाब से पहले 10 मिनट में आपके 25 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, कम से कम 25 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। सोचो साइकोलॉजिकली कितना बड़ा फायदा होगा उसका, कि आपके पहले 10 मिनट में 25-30 क्वेश्चन अगर एग्जाम के हो गए हैं तो आपका मॉरल बहुत हाई होगा, आप में नर्वसनेस खत्म हो जाएगी, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। लेकिन ये होगा कैसे, पहले 10 मिनट में इतने सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे, वो तब होंगे जब वो 10 मिनट की रिहर्सल हमने कई बार करी होगी। तो
तो मेरी टेक्निक ये थी कि कोई भी बुक जो भी स्टैंडर्ड बुक से आप पढ़ाई कर रहे हो या आपके पास जो टेस्ट पेपर्स हैं जो भी मटेरियल है आप लेके बैठ जाओ, आपके सामने 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन रखे हुए हैं और आपके सामने 10 मिनट है, अब 10 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चंस करने, बस इसके अलावा और कोई टारगेट नहीं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हो अभी उससे भी मतलब नहीं, अभी मतलब इस बात से है कि 10 मिनट में मैक्सिमम करने हैं। अभी ऑटोमेटिकली दिमाग ट्रिगर इस तरीके से हो जाएगा, अपने आप उसकी स्ट्रेटेजी बन जाएगी, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, बस करते जाना है, रुकना नहीं है, बस करते जाना है। क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी स्किप करो, अगर नहीं लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है इसको पढ़ने में समझने में तो छोड़ो उसको, क्योंकि सारे थोड़ी होंगे। तो 10 मिनट में हम बहुत सारे करने की कोशिश करते हैं और उस चक्कर में हमारा ब्रेन एक चीज सीखता है, स्कैनिंग करना। हमारा ब्रेन सीख जाता है फिल्टरिंग करना, बहुत जल्दी से क्वेश्चन पेपर में यह ढूंढना कि सबसे आसान कौन है, सबसे जल्दी कौन सा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रेंड हो जाता है, उसके लिए कोई और चीज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप रोज ये 10 मिनट वाली एक्सरसाइज कई बार कर रहे हो। 1 घंटे में 10 मिनट वाली एक्सरसाइज आप 6 बार कर लोगे, तो 6 बार आपने उसकी रिहर्सल कर ली। 10 मिनट बिल्कुल स्टार्ट स्टॉप करा, 10 मिनट में देखा कितने क्वेश्चन हो गए, कभी 10 हुए, कभी 15 हुए, कभी 20 हुए, धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगेगा। इसमें एक और फायदा ये हो जाता है कि कोई भी टॉपिक आप करते हो 10 मिनट में 25-30 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप टच में आ जाते हो उस टॉपिक के। बहुत दिन से आपने उसको रिवाइज नहीं करा था लेकिन आपने वो क्वेश्चंस करके फॉर्मूले रिकॉल हो गए, कुछ वो दिखने लगा, उसके क्वेश्चंस दिखने लगे, तो देखने भर से वो याद आ जाता है। तो अगर हमने कोई टॉपिक पहले दिन पढ़ा हुआ है और हर दिन उसको करना चाहते हैं तो 10 मिनट वाली एक्सरसाइज तो रोज कर सकते हैं। दिन भर में कोई भी वो 10 मिनट जो सबसे कम यूटिलाइज होते थे उन 10 मिनट को यूज करो और आप उस टॉपिक को करो हर रोज। एक दिन में 1 घंटे में अगर आप 6 टॉपिक रिवाइज कर सकते हो तो सोच के देखो, इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव स्टाइल में पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है सभी टॉपिक से कनेक्टेड रहने का और स्कैनिंग सीखने का, फिल्टरिंग करने का, हमारा ब्रेन ट्रेंड हो जाता है। तो ये एक बहुत ही कमाल का आइडिया और ये मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ और इसका बहुत फायदा मिला है। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे कि आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। जब भी आप टेस्ट पेपर देते हो एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 घंटे का टेस्ट पेपर है, 8 घंटे का एनालिसिस। टेस्ट पेपर जो आपने अटेम्प्ट कर लिया, अभी आपको यह देखना है कि उसमें कौन से क्वेश्चन है जो आपके रॉन्ग हो गए, सबसे पहले उनको देखो। ये रॉन्ग हुए इसलिए उनकी चिंता कर रही है क्योंकि हमें लगता था कि वो सही हो जाएंगे, नहीं तो हम अटेम्प्ट क्यों करते। हमने अगर अटेम्प्ट करे हैं तो इसका मतलब है हमें लग रहा था कि ये सही होंगे। तो हो सकता है आपका फॉर्मूला गलत याद था, हो सकता है आपको प्रॉपर्टी गलत याद थी, कुछ कॉन्सेप्ट आपका गलत बना हुआ था मे बी, और आपको लग रहा था कि वो आपको सही आता है। तो सबसे पहले जो मिसकंसेप्शन हैं उनको दुरुस्त करने की जरूरत होती है। तो जब आप टेस्ट पेपर का एनालिसिस करते हो तो उसमें आपको इस तरह से पता चलता जाता है रॉन्ग क्वेश्चंस के कारण कि क्या गलत कॉन्सेप्ट्स आपके बने। जब रॉन्ग क्वेश्चंस को आप एनालाइज करते हो तो उसमें आप सिली मिस्टेक्स भी देखते हो कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, उससे कितने क्वेश्चन गलत हो गए, प्रॉपर्टीज गलत याद है, फॉर्मूले गलत याद है, इस वजह से कितने क्वेश्चंस गलत हो गए। तो आप बहुत बारीक तरीके से एनालिसिस करते हो जिससे कि आप में इंप्रूवमेंट हर टेस्ट पेपर के बाद होते हैं। टेस्ट दिया, एनालिसिस नहीं किया, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन टेस्ट पेपर दिया, उसका एनालिसिस किया, इंप्रूवमेंट होगा। और एनालिसिस का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि अगला टेस्ट जब मैं दूं तो आज के स्कोर से बेटर हो जाए। सिंपल, हम एक दिन में अपने स्कोर को बहुत हाई नहीं पहुंचा सकते, कोई बात नहीं। मान लीजिए कि आज आप 20 क्वेश्चन सही करते हो और 10 क्वेश्चन गलत करते हो, बहुत कम स्कोर है, कोई बात नहीं। अगले टेस्ट में मुझे 25 करेक्ट करना है, मेरा ये टारगेट, बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, बस अगले टेस्ट में मुझे 25 करना है। उसके अगले टेस्ट में हम बात करेंगे 30 हो जाए, उसके अगले टेस्ट में हम बात करेंगे 35, मतलब 5-5 क्वेश्चन बढ़ाना चाहेंगे। तो अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे सिर्फ 5 क्वेश्चन ही तो बढ़ाना है अगले टेस्ट में, तो मैं ऐसे टॉपिक पे अटैक करूंगा जो टॉपिक मुझे लगता है कि यार इसके क्वेश्चन तो हर बार आ रहे हैं, और ये टॉपिक में अगर मैं 2-3 चीजें तो हैं, अगर इसको पढ़ लूंगा तो ये क्वेश्चंस मुझसे बनने लगेंगे। तो आप बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से अपने स्कोर को बढ़ा लेते हो और धीरे धीरे करके आपका स्कोर एक ऐसे लेवल पर आ जाता है जहां से एक क्वेश्चन का भी स्कोर बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, हमें पहले वहां तक पहुंचना है। तो टेस्ट पेपर का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट पेपर के एनालिसिस से आपको यह भी पता चलता है कि आपके वीकनेस क्या है, आप कहीं क्वेश्चंस में अटक तो नहीं जाते हो, आप किस तरह की मिस्टेक्स करते हो, पेपर सॉल्विंग टेक्निक कैसी है, आप कई क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते। जैसे मैंने जब हम लोग टेस्ट पेपर देते थे तो एक चीज ऑब्जर्व करी थी, जो क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स बहुत बड़े होते थे,
हम उसको छोड़ दिया करते थे ये सोचकर कि ये टफ होगा या समझने में बहुत टाइम लगेगा। और बाद में एनालिसिस कर करके पता चला कि एक पैटर्न मिला कि यार हर टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और उसको एक बार पढ़ो वो क्वेश्चन दिखने का ही बड़ा होता है, वो था बड़ा इजी। तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन गया कि नहीं यार ये देखने का बड़ा है बस, और हर बार हमें मालूम होता था ये तो बनेगा ही बनेगा, तो जो दूसरे छोड़ते थे वो हमसे बनता था क्योंकि वो साइकोलॉजिकली था बस, लेकिन एनालिसिस से वो चीजें क्लियर हुई। तो मुझे दो बड़े इंपॉर्टेंट ये पॉइंट लगते हैं जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूं। बाकी आप लोग इस समय हाईली मोटिवेटेड होना चाहिए, और आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण जितने बैठे हो बस इतने लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे और भी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपका स्कोर कुछ भी आ रहा है, कोई भी रैंक आ रही है, अगर आपकी रैंक यहां पर फर्स्ट आ रही है तो आप मान के चलना कम से कम उसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देना, सोच लेना कि आपसे इतने लोग आगे होंगे अभी भी। तो आप ये मत सोचना कि आप फर्स्ट हो, आपकी रैंक 20 है अगर फर्स्ट है। अगर रैंक सेकंड आ रही है तो आप सोच लो कि आपकी रैंक 40 है। तो आप अपने आप को उतना मान के चलो क्योंकि बीच में और भी दूसरी जगह के लोग होंगे जो घर बैठ के तैयारी कर रहे होंगे। तो हमेशा रैंक उस तरीके से सोचना। तो आपको फाइट करनी है अपने स्कोर से। जब आप अपने स्कोर से फाइट करोगे तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा। और बाकी आप लोगों को कुछ पूछना है, आपको एक न्यूज शायद मिल गई होगी या कई लोगों ने देख भी लिया होगा वीडियो, जिसमें एक स्टूडेंट है मेरी जिसका अभी सिलेक्शन हुआ है गूगल में, देखा सभी लोगों ने। वो यूनिक बात इसलिए क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ी हुई है, और ये बहुत कम स्टूडेंट्स को लगता है कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के बाद भी हमारा गूगल जैसी कंपनी में प्लेसमेंट हो सकता है। उसका ना केवल पैकेज बहुत अच्छा है, 87.5 लाख का पैकेज है, उसकी ज्वाइनिंग गूगल में हुई है, वो अभी ज्वाइन हो चुकी है, अभी उसका कहना चाहिए 2-3 वीक हुए हैं, जब जिस दिन मैंने वीडियो पब्लिश किया था उस दिन उसका पहला दिन था कंपनी में। इनफैक्ट मैं खुद पर्सनली भी गूगल के 2 ऑफिस विजिट कर चुका हूं, तो मुझे मालूम है वहां का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होता है, कैसा वर्क कल्चर होता है। तो आई एम ब्लेस्ड कि ऐसे स्टूडेंट्स मेरे को मिले, और केवल वही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं कर हैं, यहीं इसी इंस्टीट्यूट के हैं, जिनको मैंने भी पढ़ाया है, शरद सर ने भी पढ़ाया है, जो आज माइक्रोसॉफ्ट में है, अमेजोन में है, और आज के डेट में एल्यूमनाई बहुत तगड़ा हो चुका है। मतलब इतने अच्छे कनेक्शंस हैं, अगर आपको टॉप कंपनी में जाना है, किसी भी अच्छी कंपनी में जाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, रेफरल। देखिए आपको नॉलेज हो गया, आपके पास डिग्री भी आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी आपको गूगल में जॉब चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब चाहिए, अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए, तो कैसे मिलेगी? तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका प्रोफाइल तो तगड़ा होना ही है, लेकिन रेफरल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। व्हाट इज रेफरल? जो गूगल में काम करता है एम्प्लॉई, वो आपको जानता है, उसे पता है कि आप अच्छे हो, आप में स्किल्स हैं, तो वो रेफर करेगा, तो वो आपका इंटरव्यू अरेंज करवा देगा। उससे उसको भी इंटरनली बेनिफिट मिलता है क्योंकि वो एक अच्छा काम का रिसोर्स, स्किल्ड रिसोर्स कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको भी एडवांटेज मिलता है इंटरनल जो भी होता है, तो वो भी इंटरेस्टेड है ये करने में। ऐसा नहीं है कि वो आपकी सिर्फ मदद कर रहा है, उसको वो खुद की भी मदद लगती है। तो वो लेकिन आपको रेफर तब करेगा जब वो आप में ट्रस्ट करेगा कि नहीं आप उस लायक हो, क्योंकि वो हर किसी को रेफर नहीं करना चाहता। तो आपके कॉन्टैक्ट्स होना बहुत जरूरी है। अब कॉन्टैक्ट्स कैसे होंगे? एक तो ये है कि आप में खुद में स्किल हो, दूसरा ये है कि आप अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएंगे, लिंक्डइन पे, जहां पे प्रोफेशनल कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और पर्सनली आपको अपने सीनियर से, अपने सुपर सीनियर से कनेक्टेड रहना है, फिर वो चाहे इम्पिटस के सीनियर हो, चाहे आप जिन कॉलेज से एमसीए करोगे उनके सीनियर्स हो, उनके साथ कनेक्टेड रहना है जो अच्छी कंपनीज में है, उनका ट्रस्ट गेन करना है, अपने प्रोफाइल को स्ट्रांग करने के साथ साथ उनका ट्रस्ट गेन करना है ताकि वो आपको रेफर कर सके। इसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वरना गूगल हर कॉलेज में नहीं आती, माइक्रोसॉफ्ट हर कॉलेज में नहीं आती, तो इनमें प्लेसमेंट कैसे होगा? रेफरल सबसे सॉलिड तरीका है, सबसे आसान, सबसे कारगर तरीका है, इसमें सिलेक्शन के रेशियो सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। और अपने प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाने के लिए एमसीए जब आप कर रहे होगे 3 साल, तो 3 साल में आपको ढेर सारी एक्टिविटीज करनी, आपको नो डाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना है, ये सब तो करना ही है आपको, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज करनी, जिसमें से 2 एक्टिविटीज को मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। एक है इंटर्नशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप, अच्छे से अच्छी कंपनी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट वर्क, आपको कम से कम 5 से 6 प्रोजेक्ट्स अपने एमसीए के दौरान करने,
और क्योंकि दो साल बाद ही कंपनी आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपके लिए इसके लिए सिर्फ दो साल होते हैं। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से चलेंगे तो दो साल के अंदर आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को टारगेट देता हूं सी, सी प्लस प्लस और डेटा स्ट्रक्चर करने के लिए एट द मैक्स आपको 6 महीने लगने चाहिए और एक अच्छा लेवल आ जाना चाहिए। 6 महीने में इसको कवर करो और 6 महीने के बाद प्रोजेक्ट वर्क पे स्टार्ट हो जाओ। वो सीखो जिससे प्रोजेक्ट बना सको, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे वेब एप्लीकेशन हो, चाहे कुछ भी हो। आपका प्रोफाइल इतना स्ट्रांग हो सकता है, इतना स्ट्रांग हो सकता है कि आप किसी भी ए ग्रेड की कंपनी में जा सकते हो। एक समय था जब शरद सर ने MCA पढ़ाना स्टार्ट किया था, उस दौर की बात से मैं बता रहा हूं। उस समय सपना ये होता था कि MP के टॉप कॉलेज में एडमिशन हो जाए स्टूडेंट्स का, होने लगा क्योंकि वो सपना देखा तो पूरा हो गया। ये कभी सपना देखा ही नहीं कि इंडिया के टॉप कॉलेजेस में सिलेक्शन हो जाए, तो वो उस समय तक पूरा नहीं हो रहा था। फिर कुछ स्टूडेंट्स ने सर से बात करी, सर को भी लगा कि हाँ बच्चों में इच्छा भी है और ऐसा किया जा सकता है, तो सर ने फिर मोटिवेट करना स्टार्ट किया बड़े कॉलेजेस के लिए जो नेशनल लेवल के कॉलेजेस हैं। उस समय ये निमसेट नहीं होता था, उस समय स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते थे तो अवेयरनेस और कम होती थी, क्योंकि अगर स्टेट लेवल का एग्जाम होता था तो उससे सिर्फ मेरिट मिल रहा है एट द मोस्ट। अभी NIT का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो गया तो बहुत सारे NIT मिल रहे हैं, तब मालूम ही नहीं होता था कि NIT त्रिची भी कुछ है, NIT वारंगल भी कुछ है, IIT रुड़की में भी उस समय NC होता था। तो सर ने फिर वहां विजन देखना चालू किया कि चलो हम लोग टॉप कॉलेजेस में जाते हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस में जाते हैं, और वो सपना भी पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि सपना देखा इसलिए पूरा हो गया, सोचा ही नहीं होता तो कभी पूरा नहीं होता। उसके बाद फिर ये सोचना स्टार्ट किया कि जो लोग यहां से अच्छे कॉलेजेस में गए उनका प्लेसमेंट भी अच्छा होना चाहिए, वो कॉलेज में जाने के बाद भी अच्छा परफॉर्म करें, सिर्फ ऐसा नहीं कि बस एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में हमने मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस करी, हमारा एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो गया और वहां सेमेस्टर में हम लोगों के बैक लगे हुए, वहां हो सकता है कि हमारे अच्छी रैंक नहीं बन रही हो, नॉलेज नहीं बन रहा हो, तो क्या फायदा। तो हमने वहां पे भी पुश करना स्टार्ट किया स्टूडेंट्स को, उनको भी मोटिवेट किया, उनको भी गाइड किया, उनको भी सेमेस्टर ब्रेक में पढ़ाना स्टार्ट किया, और उससे होने ये लगा कि उन लोगों का अच्छी जगह प्लेसमेंट होने लगा। तो उन लोगों का प्लेसमेंट Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, Adobe, गूगल, ऐसी कंपनीज में प्लेसमेंट होने लगा। और आज के डेट में हमारा एल्यूमनाई इतना तगड़ा है कि अगर आप अपने सीनियर्स को बताओगे कि आप इम्पिटस से हो, तो हो सकता है 10 में से कोई एक सीनियर बोले कि हाँ मैं भी इम्पिटस से। तो ये एक बहुत ही कमाल की बात है आप लोगों के साथ, क्योंकि एक फैमिली की तरह ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है हम लोगों के बीच में, हम लोगों के लिए ये नहीं है कि यार इसको मैं नहीं बताऊं क्योंकि इसका सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरी रैंक चली जाएगी, ये सोच कभी मत रखो। इस सोच से आप कभी सेलेक्ट नहीं हो सकते, इस सोच से आप पीछे ही होगे, आगे नहीं बढ़ोगे। आगे बढ़ने का तरीका ये होता है कि मैं 4 लोगों को और मोटिवेट करता हूं, क्योंकि जब मैं 4 लोगों को मोटिवेट करता हूं तो मुझे उनसे आगे रहने के लिए एक कंपटीशन अपने आप मिलता है। अगर कोई कंपटीशन ही ना हो तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, आप में इंप्रूवमेंट ही नहीं होगा। कोई फाइट नहीं कर रहा तो कैसे इंप्रूवमेंट होगा। तो लोग फाइट करें इसके लिए उन्हें पुश करो, अपने दोस्तों को पुश करो, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे तो उनको पढ़ने के लिए मजबूर करो, उनके साथ कॉम्पिटिशन करो। और अगर सब लोग पढ़ाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली और ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसी के कारण आपका लेवल बढ़ेगा, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन बस इतने से लोगों में नहीं है, बहुत सारे लोगों में। Got it? तो अभी अपना मोरल बहुत हाई रखना, जोश बहुत हाई रखना, ये अगले 2 महीने बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एक बड़ी रेस होती है ना, साल भर से लगे हुए बड़ी रेस होती है, तब जब लास्ट में पहुंच जाते हैं ना, तब कुछ लोग थक के बैठ जाते हैं, बस उनकी कहानी वहीं खत्म, और जो आखिरी में अपनी पूरी जान लगा देते हैं ना वही जीतते हैं। तो जो अभी तक किया, हो सकता है कई लोगों ने साल भर पढ़ाई नहीं करी, अभी भी उनके पास एक मौका है। जिन्होंने साल भर पढ़ाई करी थी वो भी अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो रह जाएंगे, दिस इज द मोमेंट। तो अपने मोरल को खूब हाई रखो, और गाइडेंस की तो आपको कोई कमी नहीं है, शरद सर ने जो बताया आप उसको करते जाओ, टेस्ट पेपर्स देते जाओ, आपका स्कोर अच्छा आएगा, नहीं बहुत अच्छा आएगा। तो ऑल द बेस्ट, किसी को कुछ भी बात करनी है कर सकते हैं। एक बात और बताऊंगा, आप लोग इतने पेपर देते हो, मैं हर पेपर में एक बात बोलता हूँ ना, पेपर बार बार सॉल्व करो, जो अभी सौरभ ने बोला, मैं इनके भी रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ। क्योंकि जब आप आए थे कोई ऐसा तो नहीं था कि पहले दिन पूरा पेपर सॉल्व होता था, पर एक ही एक पेपर को बार बार बोलता हूँ, जैसे 6 की मैथ सॉल्व करने के लिए आपको 1 साल नहीं लगेगा, जब 6 में थे जब 1 साल लगता था, आज 6 घंटे लगेंगे। वैसे जो पेपर आप दे चुके हो उनको बार बार दो, तो वो 10 मिनट में जो सरोज सर ने बोला ना, 25 क्वेश्चन 25 नहीं 50 भी होंगे। और इन लोगों का, सौरभ के बैच के समय का ये कंडीशन था कि ये
बच्चे कभी जो नए आते थे वो डाउट पूछते थे तो ये पहले आंसर बताते थे फिर क्वेश्चन पढ़ते थे, तो कई बच्चों को लगता था कि क्वेश्चन याद हो गए, जबकि मैं जब भी यही बोलता था आज भी कि क्वेश्चन उन्होंने जब याद नहीं किए थे, पूरे 5-5, 10-10 हज़ार क्वेश्चन को देख के ये आंसर बताते थे, और यही रीजन था इनका ऑल इंडिया रैंक 6 था, और इन्होंने अपने सीनियर को भी देखा और जूनियर में भी यही बात आई। और मैं चाहता हूँ यही चीज आप डेवलप करो, तो मैं चाहता हूँ वो वाली बात बताओ कि वो जो 100 क्वेश्चन 10 मिनट में होते थे वो क्या पहले दिन हुए थे क्या? वो पहले दिन नहीं हुए थे, वो कई दिन की मेहनत के बाद हुए थे, तो वो चीज इनमें डेवलप करना चाहिए, क्योंकि अभी कई लोग एकदम टेस्ट में स्कोर कम आता है सर अब ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा हार नहीं मानना है, वो आपको समझना पड़ेगा। और जितना आपके समय में पेपर होते थे या जो एनालिसिस उससे कम से कम 10 टाइम ज्यादा आज इनके साथ ट्रीटमेंट इनको मिल रहा है, बस इनको जरूरत है कि अपने अंदर वो भरोसा ना खो दे, तो कोई पहले दिन की मैजिक नहीं है, वो मैजिक इनको कर। मैं और मेरे एक फ्रेंड था अमित, तो हम दोनों लोग एक दिन बैठे सुबह 10 बजे से और रात तक हम लोगों ने सेल स्कोरर पूरी सॉल्व करी थी, तो ये मतलब हर साल पास ऑन होती है बात, एक दिन में पूरी सेल स्कोरर पता नहीं आप लोग अभी कर रहे हो कि नहीं, हाँ बेसिकली कुछ नहीं है, वो तो एक बुक है ही नहीं, वो तो क्वेश्चन बैंक है, तो कुछ नहीं तो भी 10,000 क्वेश्चन होंगे उसमें, तो ये 10,000 क्वेश्चन अगर आप एक दिन में पूरे कंप्लीट कर रहे हो तो ठीक है, किसी के भी नोटिस में आएगी बात कि ये कैसे हो गया। ऑब्वियसली वो फर्स्ट डे नहीं था, और हमें मालूम है कि वो एक दिन लोगों को दिख रहा है, उसके पहले के जो 300 दिन थे वो तो नहीं दिख रहे ना लोगों को, लोगों को नहीं मालूम कि वो 300 दिन हमने क्या किया, हमने हर दिन उसको सॉल्व किया, हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करने से, वही क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करने से, रटना गलत वर्ड, रट नहीं रहे हम उसको, हमने उसको समझा है, हमने उसको करा है, लेकिन इतनी बार करा है कि वो अब हमें दिखता है, क्वेश्चन देखते से ही हमें समझ में आ जाता है ये किस चीज के बारे में। इवन एग्जाम के अंदर भी जब वो क्वेश्चंस आए, कई सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आए, तो देखते ही समझ में आ रहा है कि अच्छा ये तो इस तरह का क्वेश्चन है, मतलब इतना उस पे काम कर लिया था कि वो सब बहुत इजी लगने लगा था। आपको ही बोलता हूं, कोई भी एक टॉपिक उठा लो जो आपको टफ लगता है, लेट्स से डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको टफ लग रहा है, आपने उस टॉपिक को उठाया, 300 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप उनको सॉल्व करिए, पहले दिन 300 क्वेश्चन को सॉल्व करने से सुबह से शाम हो जाएगी, 300 क्वेश्चन शायद पूरे सॉल्व भी नहीं हो पाएंगे, 250 करीब आपसे सॉल्व होंगे, कोई बात नहीं, कल फिर यही काम करना। अब उन्हीं 300 क्वेश्चन को फिर से कर रहे हो आप, क्या आपको उतना ही टाइम लगेगा जो पहले दिन लगा था? ऑब्वियसली नहीं, अब तीसरे दिन भी करना है, चौथे दिन भी करना है, एक हफ्ते तक करना है, अब बताओ। अब वो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपके लिए सबसे इजी टॉपिक है, प्रॉपर्टीज अच्छे से याद हो चुकी हैं, जो टफ क्वेश्चन है वो समझ में आने लगे, और आपको कई बार बताओ ना, कुछ टिपिकल क्वेश्चन होते हैं जब आप पहली बार करते हो ना, आपसे सॉल्व हो भी गया, बहुत मुश्किल से हो भी गया, तो भी वो आपको 100% समझ में आया नहीं होता है, उस क्वेश्चन को कुछ दिन बाद आप जब दोबारा कर रहे होते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आती है, यार समझ में तो आ जाया कि क्वेश्चन क्या था, उस दिन हो गया था पता नहीं कैसे सॉल्व, लेकिन आज समझ में आया कि ये बोल क्या रहा है। तीसरी बार करते हो, नहीं अब आया है, ये होता है धीरे धीरे करके, कॉन्सेप्ट बिल्टअप होते हैं लेयर बाय लेयर, तो रिपीटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट, रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों ने वो रिविजन इतनी बार किया, हमने ना केवल टेस्ट पेपर के एनालिसिस बार बार किए, हमने जो मटेरियल मिला उसका एनालिसिस बार बार किया, और हमने सेल्फ स्कोर जैसी बुक को कई बार करा, और फिर एक दिन ये मौका आ गया, क्योंकि स्टूडेंट्स डाउट पूछते थे, हमको क्या लगता था, एक लालच होता था कि इसको सर के पास नहीं जाने देना है, सर से ये डाउट पूछने जा रहा है पहले ही रोक लेना है, और हम उसको डाउट सॉल्व करते थे, बड़ा मजा आता था इसमें, और सबके डाउट हम सॉल्व करते थे, मतलब हमारी कोशिश होती है सर के पास कोई जा ही ना पाए। अच्छा, जब लोगों को समझ में आने लगा कि ये डाउट सॉल्व कर देते हैं, तो वो आने भी लगे हमारे पास, अब वो पहले हमारे ही पास आ रहे हैं, तो डाउट हम उनके सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, उनको क्या लगता है, अरे यार इसने तो इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया, अब हम उसको 50 बार कर चुके हैं, इसलिए वो इतनी जल्दी, पहली बार तो हमें भी दिक्कत आई थी, लेकिन उसके बाद अब जब 50वीं बार सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो वो बाएं हाथ का खेल हो गया, पर उसको क्या लग रहा है, उसको लग रहा है वाह ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्क है जो उसने नहीं करा है, और उसी बात का हमें साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिल रहा है। अब हर कोई क्या सोच रहा है, फर्स्ट तो इन्हीं की आएगी, अपन सेकंड के लिए तैयारी करो, लोग इसी तरीके से एटीट्यूड बना लिया, तो ये जो हो गया ना, इससे मुझे फायदा भी मिला, क्योंकि उन्होंने तैयारी सेकंड के लिए करी थी, इसलिए वो आगे नहीं आ पाए। उनमें से जिन लोगों ने ये सोचा कि नहीं हम भी फर्स्ट आ सकते हैं, ऐसे लोग 2-3 ही रहे होंगे, और उन लोगों की रैंक भी बहुत अच्छी आई, बहुत अच्छी रैंक आई, लेकिन अदरवाइज मैक्सिमम लोग यहीं पे हार चुके होते हैं।
हमें हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना। तो सर ने जैसा बोला, बार बार करो, इतनी बार करो कि प्रैक्टिस इतनी हो जाए। और कोई जो लोग ये बोलते हैं कि रट लिया होगा, मैं तो उनको तब भी बोलता था, आज भी बोलता हूं, तुम रट लो, इजी लगता हो तो तुम रट लो, 10,000 क्वेश्चन रट सकते हो तो रट लो। तो इसलिए रटना बोलना बहुत गलत बात है। ऐसे बोलने वाले बहुत लोग मिलते हैं। अभी जिसका गूगल में सिलेक्शन हुआ उसके लिए किसी ने कमेंट करा था कि लक बहुत अच्छा है इसका। मैंने कहा ये तमाचा मार रहे हो, क्या कर रहे हो, लक बहुत अच्छा है। आपने सिर्फ उसका सिलेक्शन देखा, आपने ये नहीं देखा कि उसने क्या किया होगा इसके पहले। वो एक दिन की तैयारी थोड़ी ना रही होगी कि अचानक से गूगल में हो गया उसका सिलेक्शन। वैसे ही आप लोगों के साथ भी होगा, आपका जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन आपको पहचान मिलेगी। जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे आपको पहचान मिलेगी, आपके रिश्तेदारों में अभी इज्जत नहीं होगी, एक नॉर्मल तरीके से ट्रीट किया जाता होगा, है ना। पहले तो ये होता था कि हर कोई रिश्तेदार आपके घर आता है और आपको सलाह दे के जाता है, क्या कर रहा है ये, इसको ये कराओ, ठीक है। तो वो जो सलाह देते हैं ना उसमें बड़ी चिढ़ होती है, उसमें गुस्सा भी आता है कि यार ये क्यों सलाह दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए इनसे सलाह। और कई तो ऐसे लोग सलाह दे देंगे जिन्होंने खुद ने कुछ नहीं करा। अच्छा फिर क्या होता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है एक दिन, और जिस दिन सिलेक्शन हो जाता है उस दिन के बाद से उन्हीं के फोन आ रहे होते हैं, हमारे लड़के को क्या करा ले, बीएड कहां से कराना। अरे मेरे से ऐसे सवाल पूछते, बीएड कहां से, अरे मैंने कहा मैंने थोड़ी ना बीएड करा, मुझे क्या मालूम बीएड कहां से करना है, और बीएड करना ही क्यों है तुम्हें। तो ऐसा होगा आपके साथ, और अभी तो इतना ज्यादा होता नहीं है, उस समय तो पॉपुलैरिटी बिल्कुल बहुत ही सातवें आसमान पे होती थी। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो रोज पेपर में फोटो आ रही है, रोज कुछ ना, मतलब एक साल तक तो स्टारडम चला, ठीक है। उसके बाद जब कॉलेज में जब पहुंचे थे तो कॉलेज में देखो तो ये फर्स्ट रैंक बैठा है, ये सेकंड रैंक बैठा है, ये थर्ड रैंक, क्या सोचोगे बाप, आपने टॉप किया होगा कहीं, ये सब टॉप करके आए कहीं ना कहीं से, तो आप कहां बैठे हो, क्रीम के बीच में। जब आप उनके बीच में बैठे हो तो सोच आपकी उस तरह की अलग ही हो जाती है, फिर आपकी सोच मामूली रहती नहीं, आप कैसे थे वो तो अब हो ही नहीं, आप कुछ और हो गए। जैसे बोलते हैं ना मुंबई की लोकल में, चढ़ने के लिए आपको सही जगह खड़ा होना जरूरी है, अपने आप चढ़ोगे अपने आप उतरोगे, गलत जगह खड़े होगे तो समय से पहले उतार दिए जाओगे, होता है ऐसा। जिसने मुंबई का लोकल एक्सपीरियंस नहीं करा होगा उसे नहीं समझ में आएगी बात, लेकिन जिसने एक्सपीरियंस किया होगा उसे समझ में आएगी बात। ऐसे ही यहां पर भी है, आप एक बार अच्छे कॉलेज में चल जाओ। कोई बोलता है, मेरे से कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि सर डिग्री क्या जरूरी है, नॉलेज हो तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल चलेगा, पर नॉलेज कैसे होगा, आपको मोटिवेशन कहां से मिलेगा। बहुत रेयर ऐसा होता है कि आप अच्छी जगह पर नहीं हो फिर भी आप सेल्फ मोटिवेटेड हो और आपने बहुत कुछ लर्न कर लिया और बहुत कमाल का काम कर रहे हो, रेयर होता है ऐसा, होता है बहुत रेयर। लेकिन आपको मोटिवेशन लगातार चाहिए, और उसके लिए सबसे अच्छी चीज है कि मैं वहां बैठूं जहां पे क्रीम हो। NIT त्रिची में अगर आप जाओगे तो वहां हर स्टूडेंट एक बड़ी सोच को लेकर आया होगा, एम्बिशियस होगा ना, तो आपको नहीं मालूम था कि आप एम्बिशियस हो, वहां जाके पता चलेगा कि आप भी एम्बिशियस हो और आप उस हिसाब से एफर्ट्स डालने लगोगे। जहां हर कोई आप देखोगे गूगल के लिए तैयारी कर रहा है, फेसबुक के लिए तैयारी कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए तैयारी कर रहा है, आप TCS के लिए तैयारी सोच के गए थे, तो सोच के देखो, आपको शर्म आएगी बताने में कि मैं TCS की तैयारी कर रहा हूं, तो आप भी क्या करोगे, दूसरे दिन से गूगल की तैयारी स्टार्ट कर दोगे, तो फिर TCS जैसी कंपनी में सिलेक्शन होने पर मिठाई भी नहीं बांटोगे, हाँ, क्योंकि आपके ड्रीम्स हाई हो जाते हैं। और फिर आप कभी मुड़कर देखोगे तो एक दिन तो हमने ये भी सोचा था कि काश किसी कंपनी में सिलेक्शन हो जाए। जैसे मैं जब यहां पर आया था तो उस समय प्राइवेट कॉलेज में, यहां पर LN City और एक और खुला था, वो कपूर साहब का, नहीं कपूर साहब का कौन सा, RKDF, हाँ RKDF कॉलेज, मैंने कहा था वो भी मिल जाए बहुत है। उस समय ये स्थिति थी, और उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था जब इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो उस समय 900 मार्क्स में से होता था पूरा पेपर, 300 300 300, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, तो उसमें 300 से भी कम मार्क्स आए थे, तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, आपको क्यों लगेगा कि आप टॉप कर सकते हो, नहीं लगेगा ना। तो वो जो मोटिवेशन है वो चाहिए था, वो कॉन्फिडेंस चाहिए था, और वो तब नहीं था। जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं पड़ी कहीं से लेने की, उसके बाद से कुछ भी काम कर रहे हो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है क्योंकि आपने पास्ट में कुछ ऐसा करा है। लेकिन जब आपने नहीं करा है तब कैसे होगा, मैं बोल रहा हूं सारा खेल यहां का है, दिमाग का। तो जो मोटिवेशन चाहिए वो आपको शरद सर से मिलेगा।
शरद सर ने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, यहां से इतने सारे लोग निकले हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह पर पहुंच चुके हैं, तो सर ने उन लोगों को भी देखा है जो पास नहीं हो पाते थे और आज बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जो पास नहीं हो पाते थे, जिन्होंने बमुश्किल ग्रेजुएशन किया था, उन लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करी और इतनी अच्छी पोजिशन पर पहुंच गए, और इसी कारण सर को यह कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते, इसी कारण कॉन्फिडेंस। मैं लोगों के नाम मुझे याद आ रहे हैं, ऐसे कई सारे नाम मैं बोल सकता हूं जिन लोगों के पास होना मुश्किल था ग्रेजुएशन में, जिनके 11 12th में परसेंटेज कम आए थे, लेकिन आज वो अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक बार मेहनत करी एमसीए एंट्रेंस एग्जाम के समय, और इससे उनको जो रिजल्ट मिला वो जिंदगी भर के लिए हो गया। इसलिए हमको अच्छा कॉलेज चाहिए, इसलिए हमको मेहनत करनी, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें जॉब चाहिए। हो सकता है आप में से कई लोग जॉब ना करें, मैंने तो जॉब छोड़ी, मैं नहीं करी जॉब। जॉब इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद पे भरोसा होना इंपॉर्टेंट है। वो कैसे आएगा? वो तो तभी आएगा ना जब कुछ झंडे गाड़े हो आपने अपने जीवन में। अगर कुछ नहीं करा होगा तो कॉन्फिडेंस कहां से लाओगे? तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए जरूरी है एक बार रैंक लेके आप। सिलेक्शन आपको चाहिए किसी कॉलेज में, जैसे आपने आप में से किसी ने सोच लिया यार मुझे तो मैरिट में एडमिशन लेना है। अच्छा, मैरिट में एडमिशन लेना है तो फिर फर्स्ट रैंक लाने की क्या जरूरत है? हम लोग पीछे की भी थोड़ी रैंक ले आते हैं तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये माइंडसेट से मत करना। हम भले ही मैरिट में जाएं लेकिन रैंक तो हमें फर्स्ट चाहिए, ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रैंक जिंदगी भर की है, वो सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, वो सिर्फ कॉलेज के लिए नहीं है, वो जिंदगी भर के लिए एक टैग है जो आपके साथ कोई अलग नहीं कर पाएगा। एक बार आपकी अच्छी रैंक आ गई, आपको ये भरोसा हुआ कि आपने एक नेशनल लेवल का एग्जाम दिया, इतने सारे लोगों ने तैयारी करी थी पर आपकी रैंक फर्स्ट आई, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा, और वो कॉन्फिडेंस जिंदगी भर के लिए होगा। जितनी बड़ी सक्सेस उतना लंबे समय तक टिकेगी, उतना लंबे समय तक वो आपको सपोर्ट करेगी। आपको बाहर से मोटिवेशन के लिए कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर से मोटिवेशन के लिए जरूरत किसको पड़ती है? जिसने कभी कुछ अचीव नहीं करा होता। जिसने कुछ अचीव करा होता ना, उसको तो वो याद रहता है बार बार कि हाँ मैंने पहले भी किया है और किया। क्यों? अपन बोलते हैं जो आईआईटी में पढ़ा होता है वो ही सबसे ज्यादा अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। जो आईएम में पढ़े होते हैं वो बड़ी बड़ी जॉब को ठुकरा देते हैं और खुद की कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि दुनिया उनसे रोज ये कह रही है कि यार तुम तो कर ही लोगे। रोज कह रही है उनसे, किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई उनसे रोज ये बात कह रहा है कि यार तुमसे नहीं होगा तो और किससे होगा। बार बार सुन सुन के उनको क्या फील हो जाता है? यस, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इसलिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। हमें इसलिए अच्छी रैंक लानी है, दम लगानी है एक बार, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी उसी से बनने वाली है। बिल्कुल इतनी सी भी कसर ना रह जाए बाद में, क्योंकि दुनिया में सबसे बुरा लगने वाला स्टेटमेंट क्या होता है? काश मैं कर सकता था पर मैंने नहीं किया। ये इतना दुख देगा जीवन भर, ये समय लौट के नहीं आएगा। ये 2 महीने आपके लौट के नहीं आने वाले। ये 2 महीने 2.5 महीने जो समय आपके पास बचा हुआ है 3 महीने का, वो पूरी जान लगा दो। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो सुबह से शाम, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अभी ये कर लो, 2-3 महीने अगर ऐसा कर लिया, अभी आपको ऐसा लगेगा कि अरे कितना सेक्रीफाइस किया मैंने। ये बेस्ट टाइम होगा आपके जीवन का, बेस्ट टाइम होगा। मैंने तो उस साल में न्यू ईयर भी सर के साथ मनाया, दिवाली भी सर के साथ मनाई, मतलब घर पे कोई एक्टिविटी नहीं, सब यहीं पर हुई, दिन भर यहीं पर, या तो डाउट्स बता रहे हैं या क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ाई के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। न्यू ईयर भी मन रहा है तो रात के 12 बजे केक भी कटा है, लेकिन रात को 2 बजे पेपर का एनालिसिस भी सर दे रहे हैं, यह भी हुआ है। 16 घंटे की भी क्लास लगी है लेकिन थकान नहीं हुई, मजा आया। जितना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओगे ना इमोशंस आएंगे, जितना अरे आप किसी जानवर के साथ भी थोड़ा समय बिताते हो तो इमोशंस डेवलप हो ही जाते हैं ना। आप पढ़ाई के साथ थोड़ा समय तो गुजारो, इमोशंस अपने आप डेवलप होंगे। अपने ड्रीम के साथ थोड़ा वक्त तो गुजारो, इमोशंस डेवलप होंगे। और जब इमोशंस डेवलप होंगे ना तो फिर किसी प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई थकान नहीं होगी, अपने आप अंदर से ही आपको आवाज आएगी कि करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप करोगे, अच्छा करोगे। और जो लोग अभी इस स्टेज में थे कि पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, आज के बाद करेंगे, ठीक है? अच्छा, अभी जो सौरभ ने बोला आपने सुना ना, क्या होता है
एक सक्सेस इंटायर लाइफ चेंज कर देती है। पहले ऑल इंडिया सिक्स रैंक आई, ट्वेल्थ में सब्जेक्ट था मैथ्स, फिर बीएससी प्लेन करी, आज तो हर एक बच्चे का कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है, आजकल सभी का बीसीए या बीएससी नाइन्थ टेंथ में भी आ गया, उस समय नहीं था। फिर एमसीए किया, एमसीए के बाद टॉप कंपनी में जॉब लगी। अब क्वेश्चन ये था, जब सौरभ साथ में जुड़ गया था पढ़ाने लगा था मैथ्स, अब जॉब छोड़ना कितनी बड़ी बात होती है, और टीचिंग, अरे टीचिंग करोगे उसमें कुछ पता नहीं क्या होगा, ये वो मत छोड़ो। एक मैं अकेला ऐसा था, मैंने कहा चिंता मत करो, अपने अंदर बिलीव रखो, जो बात ये बोलो ना, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनकी बात आप पे असर इसलिए कर रही है क्योंकि ये सब किया है। जॉब छोड़ दिया, फिर मैंने बोला टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाओ, पहले थोड़ा लगा कि सी सी प्लस पढ़ाना चाहिए कि नहीं, पर आज मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया में सी सी प्लस प्लस डॉट नेट टेक्निकल सब्जेक्ट में सौरभ सर से अच्छा शायद ही कोई पढ़ाता। और क्यों, तब एक एक सक्सेस इंटायर लाइफ को बदल सकती है, और वही चीज की जरूरत है, डाउट बताना। ये पहले ऐसा होता ही था, जो बच्चे अच्छा कर रहे होते थे, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको भी बोलता हूँ ना कि आप डाउट बताओ, पर एक पर्टिकुलर टाइम पे, दिन भर नहीं, ये इन लोगों का भी टाइम फिक्स था, ऐसा नहीं कि दिन भर बताते थे, घंटों बैठ के पढ़ते रहते थे, वो एक टाइम हमने फिक्स किया था उसी टाइम पे, पर मेरे पास नहीं आने देते थे, कि सर के पास नहीं जाने देना, ये टारगेट लेके चलते थे, और उसका रिजल्ट मिला। मैं आपको ही बोलूंगा, बार बार पेपर सॉल्व करो, जिस बच्चे की प्रॉब्लम आ रही है उसको बिठाओ, उसको पढ़ा दो, उसका क्या होगा वो छोड़ना सोचना छोड़ दो, आपका भला तो होने वाला। जब आप किसी का भला करते हो ना, तो उसका भला हो ना हो आपका जरूर हो जाता है। आप किसी को एक कदम आगे बढ़ाओगे, आप दो कदम आगे बढ़ जाओ। बहुत पॉजिटिव माइंड से चलो, और सब कुछ खेल दिमाग का है, जितना जैसा सोचोगे। स्कोर नहीं आ रहा, मत आने दो। आपने देखा है ना कितने बच्चे लास्ट टाइम तक स्कोर नहीं आता, फिर एकदम से परफॉर्म हो जाता है, क्योंकि कई सारे पेपर मिलके एक पेपर बनता है। बार बार इन स्कोर से अरे अब तो कुछ नहीं हो रहा। ये सेशन भी आज मैंने इसलिए रखा क्योंकि अभी आपकी टेस्टिंग बहुत हो रही है, ऑनलाइन वाले बच्चों की बहुत टेस्टिंग हो रही है, वो भी चाहते थे, तो इतनी टेस्टिंग हो रही है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, अब सर ऐसा लग रहा है अब क्या करें। ये एक टाइम होता है, ऐसा आता है बीच में, जब निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं क्या होगा, पर ये निगेटिव थॉट का फायदा कोई और को मत दो आप, आपके निगेटिव थॉट से पक्का है कि आपका कॉम्पिटिटर आगे निकल जाए। बहुत पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करो, बार बार पेपर सॉल्व करो। मैं इसलिए हर बार बोलता हूँ ना, सैटरडे पूरा दिन पेपर सॉल्व करने में रखो, एक पेपर 10-20 बार सॉल्व हो जाएगा, अपने आप क्वेश्चन दिमाग में आने लगेंगे, फिर वो 10 मिनट में जब आप पेपर दोगे तो 15-20-25 क्वेश्चन बनेंगे, आपका स्कोर एकदम हाई हो जाएगा। वो एक प्रोसेस है, वो करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा अभी जो आपके मन में डाउट हो ना, क्वेश्चन हो, वो पूछो आप, ये सेशन का पर्पज ही है, जिसके दिमाग में जो डाउट है पूछ सकता है। पूछना है किसी को कुछ? किसी को भी कुछ नहीं पूछना, बहुत ही खुशी की बात है। तो कोई डाउट नहीं है ना, तो बस अपना माइंड सेट रखो। और जो अभी एक और बात सौरभ सर ने बोली, जैसे कुछ गर्ल्स ने, इन्होंने देखा भी है कि सर पापा बाहर भेजेंगे नहीं, मैनेट के लिए तो 300 रैंक है, आप हमेशा टॉप रैंक के लिए क्यों बोलते हैं? मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं ना, टॉप रैंक ला के चले जाना या पीछे के कॉलेज में, पर टॉप रैंक तो लाओ, और टॉप रैंक के बाद पेरेंट्स भेजेंगे कि नहीं ये आप मेरे पे छोड़ दो। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि जिनके पेरेंट्स ये बोलते थे कि हम नहीं भेजेंगे, उनकी सबसे पहले भेजा। तो कई बार पेरेंट्स को आप पे बिलीव नहीं होता, उन्हें लगता है ये बच्चे का होगा नहीं, इसको सपने ना दिखाएं, पर जब आप सक्सेस होते हो, सक्सेसफुल होते हो, तो आपके पेरेंट्स आपसे 4 गुना ज्यादा आपको सपोर्ट करते। तो ये आपको ऐसा लगता है कि करेंगे कि नहीं करेंगे, सब फालतू की बातें। अभी तो आप ये सोचो कि अच्छा करना है, साइकिल पे घूमो कोई दिक्कत नहीं है, कार की बुराई करने के लिए पहला क्या है कि घर में कार खड़ी करो और फिर आप साइकिल पे घूमो कि भाई मुझे तो साइकिल पे मजा आता है, कार में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। पर बिना कार रखे हुए अगर आपने ये बात बोली तो लोग आप पे हंसेंगे, तो ये बात हर जगह अप्लाई होती है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखो, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से हर दिन जो टेस्टिंग बढ़ रही है उसको छोड़ना नहीं है। आप लोग खुद भी देखते हो, कई लोग बीच बीच में छोड़ देते हो, वो देख रहे हो आप, अब छोड़ दिया तो उसका कुछ नहीं हो सकता, इनके समय भी ऐसा होता था, और वही लोग सबसे ज्यादा निगेटिव बातें करते हैं। जो आखिरी तक मेहनत करता है उसका रिजल्ट अच्छा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं तो ये भी बोलूंगा फर्स्ट रैंक के लिए मत पढ़ो, ये भी आखिरी समय में मुझसे इन्होंने यही बोला था कि सर अब मुझे रैंक नहीं लानी, ये भी किस्सा बताएंगे, अब मुझे रैंक के लिए पढ़ाई नहीं करनी। ये चीज ध्यान रखो कि फर्स्ट रैंक नहीं लाना, नॉलेज के लिए पढ़ना, रैंक वैंक तो सब आ जाएगी, वो आप एक्सपीरियंस बताओ। कई लोग फर्स्ट रैंक सेकेंड रैंक तीसरी होगा कि नहीं ये भी पूछते हैं, मैं कहता हूँ ये सब दिमाग से निकाल दो। एक आपने एड की लाइन सुनी होगी, डर के आगे जीत है, है ना? पता नहीं कितने लोगों ने इसको समझा है, मुझे जब समझ में आया तो मैं तो हमेशा शेयर करता हूं ये बात। एग्जाम से कुछ समय पहले, जैसे ये अभी का समय है,
हर संडे टेस्ट होता था और टेस्ट में मेरी फर्स्ट रैंक आती थी, तो मैं सर से पूछता था कि सर मेरी ऑल इंडिया में रैंक क्या आएगी, तो सर बोलते थे कि शायद टॉप 100 में आ जाएगी पर टॉप 10 नहीं आ पाएगी। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं यहाँ फर्स्ट आ रहा हूँ, अच्छा स्कोर भी है, सब कुछ ठीक है, पता नहीं सर ने ऐसा क्यों बोला। फिर मैं अगले संडे को खूब मेहनत करता था और फिर सर से पूछता था, सर बोलते थे वही जवाब, ऐसा ही हो रहा है हर बार। अब एग्जाम में ना 2 वीक बचे हुए, इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो मैंने सर से नहीं पूछा। सर ने बोला क्यों आज तुमने पूछा नहीं, तो मैंने कहा सर इतना टेस्ट दे दे के मैं इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया इस मैथ्स के साथ, इतना मजा आने लगा है इसमें कि मैं इसको इंजॉय कर रहा हूं, और जिस चीज को मैं इंजॉय कर रहा हूं उसमें मुझे डर नहीं रह गया कि मेरा क्या होगा, मेरी टॉप 10 में रैंक नहीं आएगी, यही होगा ना, नहीं आएगी, कुछ भी रैंक आएगी, पर मुझे अपने ऊपर भरोसा हो गया कि मैं कुछ ना कुछ तो ढंग का कर लूंगा। पहले जब आप किसी बड़े टारगेट की तरफ बढ़ते हो ना, डर लगना स्वाभाविक है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस है, बहुत नॉर्मल। जैसे जैसे आपकी मेहनत बढ़ती जाती है, इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाता है, समय करीब आता है, धीरे धीरे करके एक स्टेज ऐसी आती है कि आपका डर खत्म हो जाता है। डर के आगे जीत है, वो पल के बाद मुझे डर नहीं लग रहा है। और जिस दिन मैं एग्जाम देने गया हूं, मेरा 20 मिनट पहले पेपर कंप्लीट हो गया था, और मैं एग्जामिनेशन हॉल में जब एंट्री होती है उसके पहले मैं देख रहा हूं सभी लोग बाहर खड़े हुए हैं, एग्जाम में अभी हॉल में एंटर होने वाले हैं, लोग बुक खोल के पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने कहा आज ही पढ़ना था, अभी तक क्या किया था। तो उनका तो ब्रेन वॉश हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि जो कुछ उन्होंने पहले पढ़ा होगा वो सब वैनिश आउट हो रहा है और उनके रैम में जो अभी पढ़ रहे हैं बस वही आ रहा है, तो वो और मुसीबत में आ जाते हैं। जब वो टेस्ट पेपर देते हैं ना तो उनको वही वही याद आता है जो उसी समय उन्होंने सुबह सुबह पढ़ा है, बस बाकी सब भूल जाते हैं। तो मैं तो ये बोलता हूँ आखिरी के 2 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ना, पर आखिरी के 2 दिन नहीं पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप साल भर पढ़ो, नहीं तो उतना जिगर कैसे लाओगे कि नहीं पढ़ना आखिरी के 2 दिन। हाँ, ये कोई आसान बात थोड़ी है। तो उसके बाद जब टेस्ट पेपर दिया, 20 मिनट पहले पूरा टेस्ट पेपर हो गया, जितना आता था मतलब जो होता था वो सब कर दिया, एक दो क्वेश्चन जो दिक्कत दे रहे थे शायद वो कैंसिल हो गए थे या गलत थे, जो भी थे, थोड़ी देर उलझने के बाद समझ में आ गया था कि अब ये नहीं हो रहा, लेकिन बाकी पूरा पेपर हो गया था। तो ये बहुत स्मूथली हो गया और मुझे इस चीज का बेनिफिट कैंपस प्रिपरेशन में भी मिला। जब एक्सेंचर कंपनी आई थी हमारे कॉलेज में, रात को 1 बजे कुछ तो भी ऐसा टाइम शेड्यूल ऐसा बैठा था, रात को 1 बजे उनका रिटर्न एग्जाम हुआ था, और रिटर्न एग्जाम देने के लिए मुझे अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ी, बिकॉज पेपर सॉल्विंग टेक्निक अपने आप में सफिशिएंट, जो यहां साल भर करी थी, और उसके कारण मेरा टेस्ट पेपर जल्दी हो गया। जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं ना, एनालिसिस करो, आपकी पेपर सॉल्विंग टेक्निक इतनी डेवलप हो जाएगी कि आप समय बचा लोगे टेस्ट पेपर में। सर ने ये बात भी सही बोली है कि सी का बैच मैंने सबसे पहले जो पढ़ाया था, सर के कहने पे ही पढ़ाया था और सर के घर पे पढ़ाया था। सर ने अपने घर पे एक रूम दे दिया था कि तुम यहां पर पढ़ाना स्टार्ट करो, और पढ़ाया किसको था, मेरे सब जूनियर्स थे जो यहां से ही पढ़े हुए थे, और उन लोगों का अभी अभी सिलेक्शन हुआ है। स्टूडेंट सारे अच्छे थे, किसी की फर्स्ट रैंक आई, किसी की सेकेंड रैंक, किसी की थर्ड रैंक, ऐसे ही थे सारे बच्चे, और वो 15-20 बच्चों का एक बैच बना के सबसे पहले उन लोगों को सी लैंग्वेज पढ़ाया। बच्चे भी अच्छे थे, पढ़ाने में भी मजा आया और कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हाँ ये कर सकते हैं। अभी भी ना कुछ बेचारे मासूम से लोग होते हैं जो मेरे से ये पूछते हैं, सर आपने जॉब क्यों नहीं ज्वाइन करी, कितना अच्छा होता ना। मैंने कहा क्या अच्छा होता, तुम्हें पता ही नहीं मैं कैसे जी रहा हूं, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं जिस लाइफ को जी रहा हूं ना ये सपने से भी ऊपर की लाइफ, मैं नहीं सोच सकता था इतनी भी लाइफ मिलेगी। सबसे पहली बात, माय सर जी फैमिली में 3.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, उनमें से कई लोगों से मेरी बात होती है, और कई लोग ये बताते हैं कि सर मेरा प्लेसमेंट हो गया। मतलब एक स्टूडेंट ने ये बताया कि वो फाइनेंशियली बहुत वीक था, तो वो किसी रेलवे स्टेशन पे वेंडर का काम करता था। रेलवे स्टेशन पे क्योंकि वाईफाई था तो वो इंटरनेट पे मेरे वीडियोस देखता था और उससे उसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, और उसने सिर्फ मेरे को फोन करके ये बताने के लिए बोला कि सर थैंक यू, मेरी आज जॉब लग गई।
अब बताओ मैं किसी कंपनी में ज्वाइन कर लेता तो ये दिन नसीब होता नहीं होता? तो ये जो चीज मिल रही है ना, ये उसको क्या मालूम जो ये बोल रहा है कि सर आपने जॉब क्यों नहीं ज्वाइन करी? तो मैंने इसलिए जॉब नहीं ज्वाइन करी क्योंकि मैंने सर के लिए स्टूडेंट्स की सोच को बहुत करीब से देखा कि जब वो कुछ बन जाते हैं तो जिंदगी भर सर को याद रखते हैं। तो मैंने कहा कितना नोबल प्रोफेशन और कितना वैक्यूम है इसमें, अच्छे टीचर्स मिलते ही नहीं है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे अच्छा टीचर हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मैं जितने काम कर सकता हूं उनमें बेटर होगा कि मैं टीचिंग करूं। तो इसलिए मैं इस फील्ड में हूं। और ये बहुत नसीब वाली बात होती है कि आपको ये पता चल जाए कि आप बेस्ट क्या कर सकते हो। हो सकता है आप कुछ बेस्ट कर सकते हो लेकिन आप बैंक में लोगों के अकाउंट खुलवा रहे हो तो वो तो कर ही नहीं रहे हो जिसमें आप बेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि आप बेस्ट क्या कर सकते हो तो आपको जिंदगी उसी में देनी चाहिए। अब चेतन भगत IIT फिर IIM और उसके बाद किताबें लिख रहे हैं, मतलब जो वो बेस्ट कर सकते हैं वो वही कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने IIT क्यों किया, फिर IIM क्यों किया, है ना? तो ये जरूरी नहीं है कि आपने अच्छी रैंक लिया है और MCA के अच्छे कॉलेज से पढ़ लिए तो आपको IT सेक्टर में ही रहना, ये भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये एक बार तो करना है, अचीव तो करना है क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। इसको जी लो, ये एक सपने की तरह जो पूरा हो सकता है ना, कोई डाउट नहीं है ना, सब क्लियर है? चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।